राइट, लेट्स हैव आवर नेक्स्ट कंटेस्टेंट। आपका नाम? माय नेम इज गुरप्रीत कौर। चलिए गुरप्रीत, आपके बारे में कुछ ऐसा बताइए हमें जो किसी को नहीं पता। जब मुझे गुस्सा जाता है मैं पिटाई भी कर सकती हूँ और बैक बिचिंग कर सकती हूँ और पीठ पीछे में तुम्हारे साथ वो कर सकती हूँ जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ओके, आई कैन बी एज स्वीट एज शुगर एंड आई कैन बी एज यू नो तीखी एज मिर्ची। ओहो, मुझे तो डर लगने लगा है यहाँ पे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। गैंग लीडर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। बाय। ओह माय गॉड। Hello. Great Britain. Hi everybody. Hi. How are you? Can I just come and meet you? Yeah, sure. Yes. You know, you're looking so beautiful. Thank you. So are Hi. You. I can't believe. You know, one of the biggest dreams of my life to meet you all, and I'm so glad. Thank you. Thank you. जो भी हो, God. Hi, sir. Are you too? आपसे तो मैं मिल चुकी हूँ, स्नैपचैट भी बना चुकी हूँ। आपने मुझे आई लव यू बोला था सर। आई लव यू बोल कैसे भूल के सकते हो? पाजी आप बाहर कोई बोल रहे हैं कि आपने फैंस को बोलो आई लव यू। मैंने कुछ नहीं बोला था ऐसे। प्लीज आप, मैं बहुत आपने मुझे फ्लाइंग किस पे दिया? अच्छा, मैं बहुत अच्छे रिलेशन में करण सर। करण सर आपका भी घर तोड़ देगी। नहीं वो तेरे मजाक करती है। बहुत अच्छे हैं, भाई जैसे हैं। हेलो, आप भूल गए हैं? रिएक्शन क्या था? एक्चुअली मेरी नजर कैसे नहीं पड़ी आप पे? वही तो है। अभी तो साइड पे बैठे, सेंटर में आओ ना, इनको सेंटर में बिठाओ। आ गए डायरेक्टर। गुरप्रीत चल काम शुरू करिए आप। हाँ अच्छा, ये झंडा आपने पहना क्यों है? झंडा यार ये बहुत कूल सा लग रहा था मुझे। ये फ्रिंजेस पैटर्न मुझे बहुत पसंद है इसलिए। आपको इंडियन फ्लैग नहीं कूल लगता? वो इंडियन झंडे वाला मिला नहीं ना, मुझे फ्रिंजेस ले रही थी मैं। फ्रिंजेस में मुझे झंडे का वो नहीं था इतना, मुझे फ्रिंजेस चाहिए थे। झंडा कोई भी हो, झंडा कोई भी हो चलेगा, पाकिस्तान का, इंडिया का, नज डजंट मैटर। बताओ अपने बारे में गुरप्रीत, आप क्या करती हो, कहाँ से हो, किस चीज में मजा आता है? ओके ओके, आई एम अ डॉक्टर। क्या? क्या? एक मिनट डेंटिस्ट, शी इज अ डेंटिस्ट। ये पेट में दर्द है? आई एम अ डॉक्टर। ऐसे सीधे खड़े हो, ऐसे नहीं, पेट में दर्द नहीं। मैं ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं पोज कर रही हूं, एक मैं पोज कर रही हूं। पोज है? मैं गांव से आया हूं, मुझे पता नहीं ये कोई पोज रहने वाले कैसे समझोगे वो क्या कर रही है। उनको कुछ मत बोलो, वो सजा रहे हैं। तेरी नहीं, हट। ये भी सजा रहे हैं भाई। भाई पिंडो आए, भाई थानू क्या पता पोज की होता है? सही गल है। मेन मुद्दा छट गए तुसी। और डॉक्टर कितना बनी तू? डॉक्टर बनी कैसे? मुझे भी नहीं पता, अपने आप बन गई। आगे से आगे। ओह माय गॉड, प्रैक्टिस तो नहीं कर रही ना? प्लीज कहते नहीं कर रही प्रैक्टिस। कर रही हूं मैं, अभी सेशन भी कर चुकी हूं, 5-6-7-8 काफी सारे। 5-6-7-8 और क्या क्या कर लेती है गुरप्रीत? मैं डॉक्टर हूँ, दांत उखाड़ लेती हूँ वैसे भी। हाँ मतलब पेशे में उखाड़े हैं, गुस्से में तो नहीं उखाड़ा अभी तक। अगर रोडीज में गुस्सा आ गया तो उखाड़ सकती हूँ। ठीक है, बाप रे। अच्छा एक बार करके दिखा देना कैसे, पता एक्टिंग करके दिखाए डॉक्टर बनने की, जो तू करती हो करके दिखा। वो अभी नहीं हो सकती, मैं उस अवतार में नहीं हूँ अभी, एकदम अपोजिट होती हूँ जो मैं डॉक्टर होती हूँ। गुरप्रीत, वाह गुरप्रीत, ये तुम्हारा यार नहीं है, तुम बार बार यार यार यार, ये इन लोग ये जजेज हैं। सॉरी सर, ये गैंग लीडर है। थोड़ा फ्रेंडली हो गए। फ्रेंडली, ओवर फ्रेंडली हो रही हो आप। देखो तो गुरप्रीत, तू पता क्या, तू ऑडिशन भी नहीं आई, तू किट्टी पार्टी समझ के आई है। हां एक्चुअली पर बटन चुपाओ पाजी का, मैं अभी पहली। और बताओ ना अपने बारे में कुछ। ओके, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक मॉडल हूँ, मैंने मिस नॉर्थ इंडिया 2016 में पार्ट लिया था। आई वाज अमंग द टॉप 32 कंटेस्टेंट्स। फिर हमारा ग्रैंड फिनाले जो था वो रणविजय सर ने होस्ट किया था, एंड उस दिन तो सब मुझे देखे ही जा रहे थे। तो यार मैं तो तेरे को अपनी गैंग में नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि तू टास्क कर रही होगी तो उन्होंने लुक दे देनी, तूने बैग जाना है। मैंने तो बोला कम ऑन, आई थिंक मैं करण की बात से बिल्कुल सहमत हूं। इस तरह का जैसे आप देखकर बहक गई हैं, सिर्फ एक इंसान आपको अपनी गैंग में ले सकता है, वो है जिसमें आप पूरी तरह जस्टिफाई होंगी, वो है रणविजय सर। बट ये बताओ, व्हेन आई एम सेइंग यू हैव टू डू इट, शी इज नॉट लिसनिंग टू मी। जब मैं कोई टास्क कर रही हूँ उस टाइम मेरा कंसंट्रेशन टास्क पे होगा, फिर चाहे रणविजय आ जाए, चाहे भगवान धरती पे आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा गुरप्रीत, वेरी नाइस, मुझे ये जानना है आपसे, आप सच्चे दिल से बताइए, जब आप रणविजय सर की आंखों में देखती हैं आपको क्या दिखाई देता है? उनकी धर्म पत्नी। और मुझे फिर इतना
गुस्सा आता है, एक्चुअली मैं डिप्रेस्ड हो जाती हूँ कि क्यों दिखाई देती है वो मुझे, फिर उनकी धर्मपत्नी दिखती है वो मुझे ऐसे करके देख रही होती है, निकल निकल, फिर मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ। धर्मपत्नी से एक और क्वेश्चन मुझे याद आया कि आप हमारी भाभी से गीता बस्त्रा से पूछना चाहती हैं कि मैं हरभजन सर से पूछना चाहती हूँ कि गीता बस्त्रा में ऐसा क्या है जो 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 आप में नहीं है। हाँ ओरिजिनल झंडा है, ये ओरिजिनल झंडे वाला पासपोर्ट है। ठीक है सर, ठीक है, चलो आप तो उन्हीं की साइड लोगे ना। आप कहाँ रहते हो, दिल्ली में कहाँ रहते हो? आपको मेरे घर आना है क्या? आपको मेरे घर आना है, एड्रेस दूँ? मेरे से गलती होगी, कहती एड्रेस दूँ?